दोस्तों सोमवार 8 जुलाई को, मंडे को दोस्तों क्या एनालिसिस रहने वाली है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी को देखूंगा, यहाँ दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा ये दोस्तों मैं यहाँ पे अच्छे से आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। अगर ऊपर जाएगा तो किस लॉजिक पे जाएगा, नीचे जाएगा तो किस लॉजिक पे जाएगा, ये भी दोस्तों आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं इतना सियोरिटी के साथ इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों आप कभी भी मैं पास्ट के वीडियोज को भी उठा के देख लो, आपको दोस्तों ये मालूम पड़ेगा कि जो चीज़ें बोलता हूँ तो वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पे सक्सेस होती है। मेरी एनालिसिस दोस्तों मैक्सिमम टाइम जो सक्सेस ही होती है। अब दोस्तों अगर मैं आज का ही ले लूँ, आज देखो यहाँ पे 5 जुलाई है, हम यहाँ पे 8 जुलाई का एनालिसिस कर रहे हैं। अब दोस्तों आज का वीडियो मैंने कल शाम को 4 तारीख को, मतलब कल शाम को ही मैंने पोस्ट कर दिया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी कैसा मूव करने वाला है। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, मैंने बोला था अगर दोस्तों ये वाला लेवल, ये जो लेवल है ये बहुत ही बेस्ट जोन है, मैंने बताया था इस जोन को अगर दोस्तों नीचे की साइड अगर मार्केट खुलता है, ये ब्रेक करता है या फिर गैप डाउन भी खुलता है ना, तो इसके नीचे ही ट्रेड करेगा, मैंने ये पूरा बता दिया था। और क्या ट्रेड लेना है, क्या कैसे ट्रेड करना है, वो सब दोस्तों मैंने वहाँ पर पूरा एनालिसिस बताया था। यहाँ दोस्तों आपको जो है यहाँ पर मैं आज के लिए सोमवार के लिए बताऊंगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। अब दोस्तों को पूरा वीडियो आपको अगर देखना है ना, मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, आप जाके उसको वॉच करना एक बार, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर डाल दूंगा या फिर आप चैनल पर जाकर वॉच कर लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि कल के दिन जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था आज के लिए एनालिसिस का, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सक्सेस हुआ है और उस हिसाब से ही दोस्तों मार्केट में वर्क किया है। अब दोस्तों कल के लिए, मतलब सोमवार के लिए क्या एनालिसिस है, आज तो फ्राइडे है, कल दोस्तों छुट्टी है, परसों संडे का छुट्टी है, तो क्या बैंक निफ्टी में एनालिसिस है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देखो कि मार्केट दोस्तों ऑल टाइम हाई पे, मतलब दोस्तों जब ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट आया ना तो एक बड़ा सा स्पाइक कैंडल बनाया बहुत तगड़े तरीके से, मतलब कि अप गैप अप ओपनिंग दिया और पहला 9:15 का ही ये 5 मिनट का कैंडल, आप यहाँ देखो टाइम फ्रेम 5 मिनट ही है। अब दोस्तों यहाँ से बहुत तगड़े तरीके से नीचे की तरफ फॉल हो गया, ठीक है, मतलब पहला ही कैंडल ऊपर गैप अप ओपनिंग देके ही नीचे की तरफ फॉल हो गया। सीन क्या हुआ यहाँ पे, जब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे जो यहाँ पे सेलर्स थे ना, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे बना करके रखे होंगे। मार्केट जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई ना, सब क्या सोचे होंगे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे साइडवेज, उसके एक दिन पहले मार्केट साइडवेज था। जब 3 तारीख को मार्केट दोस्तों साइडवेज रहा ना, तो लोग क्या सोचे कि यहाँ पे मार्केट जो है 4 तारीख को और ऊपर जाएगा, मतलब लोग ने ऐसा सोचा, ठीक है। अब दोस्तों सीन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उस टाइम के लिए, यहाँ पे 3 तारीख के लिए सबसे हाईएस्ट लेवल था बैंक निफ्टी का। ये लॉजिक को समझने की कोशिश करना, हो सकता है कि वीडियो लॉन्ग बन जाए तो बोरिंग लगे, लेकिन कोशिश करना इस चीज़ को समझने की, ताकि आप दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ से नॉलेज गेन कर पाओ। मैं वापस से बता रहा हूँ, 3 तारीख को दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज रह गया। अब मार्केट जो साइडवेज रह गया ना, तो यहाँ बहुत सारे जो BTSC ट्रेड लोगों ने ले लिया होगा, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी जो होंगे, 2-4 लाख से जो ट्रेड करते होंगे या फिर करोड़ों में जो ट्रेड करते होंगे ना, वो लोग भी ये सब काम किए होंगे, रिटेल ट्रेडर भी किए होंगे, यहाँ से ये सोच के यहाँ पे सेल का साइड कर दिए होंगे, क्योंकि मतलब पुट या फिर सेलिंग कर लिए होंगे ये सोच के कि मार्केट बहुत तगड़े तरीके से नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये सोच के उन्होंने किया होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे जब दोस्तों इस तरीके का पैटर्न बनता है ना, मतलब साइडवेज शो होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम पे वहाँ से नीचे ही मार्केट जाता है। और अगर दोस्तों पुट की साइड पे, मतलब सॉरी ये सपोर्ट की साइड पे, मतलब ये तो ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस ही हो गया ना, एक हाई रेजिस्टेंस हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट की साइड पे, मतलब समझ लो कि यहाँ कहीं पे कोई सपोर्ट है, समझ लो मार्केट इस वाली जगह पे कोई सपोर्ट है और यहाँ पे दोस्तों बहुत देर से मार्केट साइडवेज रह रहा है ना, तो यहाँ भी ये माना जाता है कि मार्केट ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो यहाँ भी यही सोच के क्या हुआ ना कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना, अपनी हम भी एंट्री बना के रखे थे, BTSC ट्रेड लेके रखे थे, मतलब 2:30 बजे के करीब लिए होंगे दिन के एंडिंग में, 3 तारीख के एंडिंग में लिए होंगे, ये सोच के कि मार्केट नीचे गिरेगा, गैप डाउन ओपनिंग देगा और दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा उनका प्रॉफिट होगा। तब दोस्तों सीन क्या हुआ कि मार्केट हो गया गैप अप ओपनिंग, यहाँ देखो ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों टॉप पे यहाँ पे ओपन हुआ, जो दोस्तों बहुत ही तगड़ा यहाँ से ओपन था, मतलब यहाँ से डायरेक्ट छलांग लगा के इस वाली जगह पे ओपन हुआ, ये वाली जगह से डायरेक्ट छलांग मार के इस वाली जगह पे ओपन हुआ। अब सीन क्या हुआ, ऐसे करते ही मतलब क्या हुआ, मार्केट में सब ने देखा कि मार्केट में बहुत तेजी से मतलब कि बाइंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल्स, मतलब इतना बड़ा गैप ओपनिंग दे चुका था मार्केट। अब सेलर्स ये भी सोच रहे थे, जो पुट लिए होंगे, जो पुट को होल्ड किए होंगे, वो ये भी सोचेंगे क्या मार्केट यहीं पर कहीं पर अगर रह गया ना, मतलब साइडवेज रह गया ना, तो भी प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि उन लोगों ने बाई यहाँ पे क्या, मार्केट इससे नीचे जाएगा तो उनको प्रॉफिट मिलता। अब सीन क्या हुआ होगा, इन लोगों ने दोस्तों सोचा होगा कि एक, मतलब एक ही बार सबका एसएल एक तो या तो हिट हो गया होगा, सबने एसएल सोच के रखा होगा, लगा कर रखा होगा, सबका एसएल एक बार में हिट हो गया होगा, जिसका नहीं हिट हुआ होगा वो खुद ही एसएल को हटा दिए होंगे, ये सोचे कि मार्केट जो यहाँ पे अपसाइड के लिए निकलने वाला है। लेकिन सीन क्या हुआ दोस्तों, मार्केट तुरंत जो है यहाँ पे जैसे ही इन लोगों ने पैसा निकाला ना, सबके पैसे निकलने की वजह से मार्केट बहुत ही तगड़े तरीके से नीचे की साइड गिर गया। अब दोस्तों नीचे साइड क्यों गिरा, अब बहुत सारा पैसा अचानक वहाँ से वापस निकल गया ना, जो जो यहाँ पे डाल के रखे थे, क्योंकि ऐसा लेट हो गया किसी किसी का, किसी ने खुद निकाल लिया, एग्जिट मार लिया, सब अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं। तो अगर मार्केट जब दोस्तों उन लोगों ने देखा कि मतलब कि उन लोगों ने पुट साइड की पोजीशन बना रखी थी और मार्केट दोस्तों ऊपर की साइड निकल गया, सबके सब क्या किए, यहाँ पे एसएल अपने हिट करवा लिए। अब उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में तुरंत वही कैंडल में जो है यहाँ पे देखो स्पाइक आते ही जैसे मार्केट डाउनफॉल हो गया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो इसी जोन पे काम किया, और ये जोन तो है ही साइडवेज एरिया, यहाँ पे ट्रेड लेने का अवॉइड किया हुआ है, ठीक है। अब सीन क्या हुआ ना, मैंने ये सब चीज़ें दोस्तों वीडियो में बता दिया था, कल के ही वीडियो में बता दिया था कि आज इस तरीके से ट्रेड करना है। अब सोमवार का मैं पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ, थोड़ा बहुत और यहाँ पे समझ लो। अब दोस्तों सीन क्या हुआ, यहाँ पे इस लेवल को मैंने बोला था कि ब्रेक जैसे ही करेगा ना तो आप एक एंट्री स्मॉल सा बना लेना। अब दोस्तों देखो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि एंट्री बना लेना यहाँ पे जैसे ब्रेक कर रहा। अब समझो यहाँ कहीं भी आप ब्रेक कर रहे हो, या भी एक मिनट पे जा रहे हो स्कैल्पिंग ट्रेड करना है आपको, मैं एक मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं किस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रेड लेने का यहाँ पे लॉजिक बताया था। देखिए एक मिनट, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट दोस्तों मैंने बोला कि यहाँ पे इस वाले जगह पे जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा और एक रिटेस्ट हुआ, और दोस्तों यहाँ पे वो अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पे मिल जाता। यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए दोस्तों प्रॉफिट नहीं, लेकिन यहाँ पे जो स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं ना उसके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा पॉइंट का है, 53,050 से लेके नीचे कहाँ तक मार्केट आया था, 52,850 तक। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे है, मतलब 200-250 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। सेम इसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको बहुत जगह पैसा जगह पे मिल जाएगा। यहाँ देखो इस वाले टाइम पे मैंने क्या बोला था कि मार्केट में दोस्तों इस वाले लेवल के अगर दोस्तों नीचे मार्केट है तो मतलब नीचे ही ट्रेड करेगा, मैंने डायरेक्ट ऐसा बोल दिया था। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे भी है, प्लस में दोस्तों क्या है कि मार्केट नीचे भी, और मैंने ये बोला था कि ये वाले लेवल पे, यहाँ देखो ये वाला जो लेवल है ना ये बहुत स्मॉल सा, मतलब मैंने ऐसा डायरेक्ट बोल दिया था कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो आपको एक पोजीशन बनानी, यहाँ तक होल्ड रखनी, मैंने ऐसा बोला था, ठीक है आज के लिए। लेकिन हुआ क्या, मार्केट इसके नीचे मतलब गैप डाउन, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नीचे हुआ, इस वाले लेवल के भी नीचे मार्केट ओपन हुआ। तो अब इसके लिए भी मैंने बता करके रखा था कि अगर इसके नीचे भी मार्केट जाता, आप जाके उस वीडियो को चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने बता रखा था कि अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इस यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन नहीं होता है, मैंने ऐसा बोला था डायरेक्ट, यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन नहीं होता है, अगर इस वाले लेवल को डायरेक्ट ब्रेक करके गैप डाउन ओपनिंग देता है तब आपको कैसे ट्रेड लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करना, सब कुछ बताया था, और होल्ड कहाँ तक करना है मैं वो भी बताया था। और मैंने उस टाइम पर इस लेवल को रिस्पेक्ट देके बताया था कि इसको ब्रेक होने देना, ये जैसे ही ब्रेक हुआ ना आपको एंट्री बना लेना है, और एंट्री बनाते साथ देखो आप अच्छा खासा यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, ये एंड्रॉइड में वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है इतना बड़ा भी। तो दोस्तों इस तरीके से एनालिसिस आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों सोमवार को क्या एनालिसिस रहने वाली, मतलब 8 जुलाई को जब आप ट्रेड करोगे, मतलब आप जब मार्केट ओपन करोगे तो वहाँ पर क्या सीन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी मैं बताऊँ ना, तो मार्केट मुझे लगता है कि एक रिवर्सल वाले पोजिशन पर है, ठीक है। मैंने दोस्तों कल भी ये बताया था कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर डाउनफॉल दिखा है दोस्तों मैंने, और उसके पहले भी मैंने यही चीज़ बार बार बोल रखी थी कि मार्केट में दोस्तों यहाँ पे अब जो है इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये वाला जोन बहुत ही जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है रिट्रेस लेके, लेकिन ये वाले जगह से नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे इस जोन में टकरा टकरा के बार बार नीचे आ रहा है। ये वाला जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है, यहाँ टकरा करके नीचे आ रहा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिट्रेस लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस लेके ऊपर गया, और यहाँ से मतलब ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे 3 तारीख को ही जो अच्छा खासा हैवी बाइंग आई, मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया, मार्केट ऊपर गया, और फिर वही वाले जोन में वापस से फंस गया। तो इससे दोस्तों डायरेक्ट यही साबित होता है कि ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है। इसके लिए दोस्तों कोई ना कोई बहुत ही बड़ा बिग न्यूज़, बेस्ट न्यूज़ आपको मिलना चाहिए, तब दोस्तों जाके जो है अच्छा खासा वहाँ पे मार्केट मूव करेगा। 2-4 कंपनी अगर बैंक निफ्टी के मतलब बैंक्स अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे दिया ना, तो हो सकता है कि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा, और जैसे इसको ब्रेक करेगा तो 53,500 ये सब इसके लिए मामूली बात रहेगी, 200-300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों मुझे अभी का व्यू बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ ये वाला लेवल, क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऊपर जाने नहीं दे रहा है, डाउनफॉल आएगा। अब मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रेड करना है, ये पूरा जोन याद रखना, ठीक है, ये आप जोन याद रखना, यहाँ मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ना उसको आप भी ड्रॉ कर लेना। ये दोस्तों मतलब आज के दिन का हाईएस्ट लेवल है, और ये दोस्तों आज के दिन का लोएस्ट लेवल है, ये दोनों जोन को आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखो मार्केट में क्या होगा, यहाँ दोस्तों देखो नीचे की साइड आया, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत और यहाँ पे कंसोलिडेशन वाले एरिया में रहा, फिर नीचे आया, नीचे आया, ऊपर आया, मतलब एक साइडवेज एरिया में ही रहा अगर मान सकते हैं, फिर अचानक से ऊपर जाके इस वाले लेवल पे गया, और यहाँ पे जो मार्केट यहाँ से वापस से जो रिवर्स हो गया, आप यहाँ पे देखोगे लास्ट के 20 मिनट में मार्केट जो है नीचे की साइड जा रहा था, पहले से 2 स्पाइक बना के ऊपर गया, यहाँ पे 2 जो है बड़े बड़े ग्रीन कलर बना के ऊपर गया, लेकिन यहाँ से वापस नीचे आ गया। अब इसको अगर ब्रेक कर देता ना मार्केट, अगर इसको ब्रेक कर देता, मान लेते कि मार्केट वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों अगर कल के दिन मतलब सोमवार के दिन मार्केट अगर इस वाले लोगों को ब्रेक करता है, अगर दोस्तों इसको ब्रेक करता है तो आप देखो 52,730 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया,
52,800 लेवल पे आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक एंट्री बनाना कॉल की साइड के लिए। अगर दोस्तों इसके भी ऊपर ब्रेक मिला, मतलब यहाँ पे यहाँ के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है ना, गैप अप भी ओपनिंग हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे भी आप बिंदास जो कॉल की साइड बाय कर लेना। अब दोस्तों जैसे ही कॉल की साइड बाय करोगे तो यहाँ पे एक लेवल में बना रहा हूँ, देखो जैसे इसको पार करता है, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे 900 के लेवल पर पार कर, इसको जैसे ही पार करता है ना मार्केट, अब बिंदास उसको होल्ड करना। होल्ड कहाँ तक करना, तो होल्ड दोस्तों पहले ये जोन तक होल्ड करना, ये जोन के लास्ट इस वाले पॉइंट तक जोन होल्ड करना, यहाँ पे इस वाले लेवल तक जोन होल्ड करना, यहाँ तक ही कॉल को होल्ड रखना, वापस इसको एग्जिट मार लेना या फिर आप इसको ट्रेल कर लेना, नहीं तो आप दोस्तों पछताओगे। और दोस्तों अगर नीचे की साइड की हम व्यू की बात करें, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देता है या फिर इसको ब्रेक करता है, तो दोस्तों आप नीचे की साइड पोजिशन बना सकते हो इस वाले लेवल के लिए। 50 का 40 का लेवल है यहाँ तक के लिए। यहाँ दोस्तों बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट दोस्तों छोटा मोटा सपोर्ट नहीं, अगर आप पहले और जाओगे तो यहाँ पे भी आपको ये सपोर्ट नजर आएगा, इसके भी पहले जाओगे पास्ट में जाओगे तो आपको ये सपोर्ट नजर आएगा, तो ये बहुत ही बेस्ट सपोर्ट है, तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। अब दोस्तों किस केस में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, दोस्तों अगर मार्केट दोस्तों इसी रेंज में आपको मिले, मतलब इसी रेंज में अगर आपको मार्केट मूव होता हुआ मिले, तो आपको पूरा ट्रेड को ही अवॉइड करना, पूरे दिन को स्किप कर देना, लेकिन ट्रेड मत करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो इसके अंदर भी मैं ट्रेड आपको बता सकता हूँ। उसके लिए आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे जो है ना टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट कॉल्स और पुट भी कभी कभी प्रोवाइड करता रहता हूँ। रोशन साइट ट्रेडर करके मेरा चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके उस पर सर्च करना आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों आपको जैसा भी एनालिसिस रखा हो ना, अपना अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में शेयर करना, ताकि दोस्तों दूसरों को भी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाए। अगर आपके एनालिसिस सही रहती है ना, उसमें मैं जरूर से कमेंट करूँगा, पिन करूँगा कमेंट को, ताकि दोस्तों दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको निफ्टी का एनालिसिस देखना है ना, तो आप क्या करो, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास।